राधे राधे सभी को। दिवाली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आने वाली है और दिवाली पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा हम दिवाली वाले दिन कैसे करें। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को दिवाली पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है इसका वीडियो लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले तो हम अपने लड्डू गोपाल के मंदिर की यानी रूम की हम साफ सफाई कर लेंगे और उसको सुंदर सा सजा लेंगे। आप लड़ियाँ लगा सकते हो, लाइटें लगा सकते हो, फूल मालाएँ लगा सकते हैं। तो जिस प्रकार भी आप सजाना चाहें उस प्रकार से आप सजा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का जो रूम है ऑलरेडी सजा हुआ है। लड्डू गोपाल के रूम की जो साफ़ सफाई है वो बीच बीच में मैं करती रहती हूँ और डेकोरेशन भी करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ में वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए लड्डू गोपाल तो दिवाली मनाने के लिए हमारे गांव जाएंगे, तो जितनी भी डेकोरेशन हमने कर रखी है वो ऐसे ही रहने देंगे और उसके साफ सफाई कर देंगे। सबसे पहले तो आप लड्डू गोपाल को जिस भी टाइम पर आप जगाते हैं, जैसे भी जगाते हैं, हम उस प्रकार जगा लेंगे। त्यौहार का टाइम है तो थोड़ा आधा घंटे आगे पीछे हो जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो लड्डू गोपाल को सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दिवाली वाले दिन हमें लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराना है। दिवाली त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और खुशियों का त्यौहार होता है। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को मैं आपको चार तरीके बता देती हूँ स्नान कराने के, जो भी आपको ठीक लगता है आप उस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। पहला तो आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। पांचों चीज़ों को या तो एक जगह मिलाकर आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं या अलग अलग चीज़ों से भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। और दूसरा है आप लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। और तीसरा है गंगा जल डालकर आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा, उसमें जल मिला लीजिएगा अपने आवश्यकता अनुसार और लड्डू गोपाल को स्नान करा दीजिएगा। और चौथा है बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। तुलसी दल लेंगे, किसी भी पात्र में हम रख लेंगे और तुलसी दल ही जल में डालकर हम लड्डू गोपाल को स्नान करा देंगे। तो इन चारों में से आपको जो भी तरीका सरल लगता है, सही लगता है, आप उस तरीके से लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में हम लड्डू गोपाल को न्यू ड्रेस पहनाएंगे। अगर आप चाहें तो मार्केट से ला सकते हैं या फिर घर पर भी आप लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना सकते हैं, क्योंकि दिवाली पर हम सभी लोग पूरे कपड़े यानी नए वस्त्र पहनते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए एक ड्रेस घर पर बना सकते हैं या मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के राजा हैं, हमारे घर के सदस्य हैं। जिस भी भाव से आप उनकी सेवा करते हैं तो एक ड्रेस तो बनती है दिवाली पर लड्डू गोपाल के लिए। साथ ही आप दिवाली वाले दिन अपने लड्डू गोपाल को कोई उपहार दे सकते हैं या कोई गिफ्ट दे सकते हैं। आप कुछ भी उनकी जरूरत के हिसाब से कोई भी चीज उनके लिए ला सकते हैं। तो जो लड्डू गोपाल की न्यू ड्रेस लानी है वो आप सुबह मॉर्निंग में जब स्नान कराएंगे हमें तभी वो पहना देनी है और पूरे दिन हमें वो लड्डू गोपाल को ड्रेस पहना कर रखनी है। और अगर आप रात्रि में लड्डू गोपाल को सुलाते हैं और आपकी ड्रेस अगर लड्डू गोपाल की हैवी है तो आप उसको चेंज करके उसके बाद उनको शयन करा सकते हैं। और जो भी ज्वेलरी आपके लड्डू गोपाल के पास है वो आप उनको पहना सकते हैं, क्योंकि अभी जन्माष्टमी निकल कर गई है तो सभी लोगों ने लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर खरीदा होगा। अगर आपके पास पहले से कोई चीज रखी हुई है तब भी आप लड्डू गोपाल को वो गिफ्ट दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल की पगड़ी लगा दी है और मोर पंख हम जरूर लगाएंगे उस दिन। साथ ही लड्डू गोपाल को इत्र आप जरूर लगाइए दिवाली वाले दिन। तो मैंने यहाँ पर तीनों लालाओं का श्रृंगार कर दिया है, अब मैं उनको सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल के लिए सिंहासन बना सकते हैं या खरीद कर भी ला सकते हैं। दिवाली वाले दिन हम सभी के घरों में पूजा अर्चना होती है और भोग प्रसाद बनाया जाता है। तो देखिए पूजा करते समय हमें काफ़ी टाइम लग जाता है और जब पूजा होती है उसके बाद में लड्डू गोपाल को जब हम भोग लगाएंगे तो वो काफ़ी समय हो जाएगा। तो जब आप पूजा अर्चना करें तो अगर आपके पास कोई मिठाई है मिठाई का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल के लिए आप अलग सा थोड़ा सा भोग बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर खजूर ले लिए हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि ये डेमो वीडियो है आप लोगों के लिए। तो मैंने अभी इसी का भोग लगाया है, दूध का भोग लगा दिया था लड्डू गोपाल को उठाते समय। और जो घर की जब पूजा हो जाएगी, जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आपने बनाया है उन सभी का भोग हम लड्डू गोपाल को लगाएंगे और पूरा दिन हम लड्डू गोपाल को उसी जगह पर विराजमान रहने देंगे। अगर आप चाहें तो उनको शयन कराना चाहें दोपहर में तो करा सकते हैं। उसके बाद जब शाम हो जाएगी तो इस तरह से फूलों से सजा देंगे और लड्डू गोपाल को आप चाहें तो जहाँ लक्ष्मी पूजन होता है उनके लिए एक अलग से चौकी लगाकर उस पर विराजमान कर सकते हैं। जिस चौकी पर हमें लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करनी है उस चौकी पर हमें लड्डू
गोपाल को बिल्कुल भी विराजमान नहीं करना है। या आप लक्ष्मी पूजन उस जगह पे कर रहे हैं जहाँ पर आपका मंदिर है, वहीं पर पास में लड्डू गोपाल विराजमान है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 5 दिए जलाकर हम लड्डू गोपाल के पास रख देंगे, फूलों से डेकोरेशन कर देंगे और खील बतासे का भोग लड्डू गोपाल को उस दिन ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि दिवाली है। दिवाली पर लक्ष्मी माता को खील बतासे का भोग लगाया जाता है, मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। तो जो भी भोग प्रसाद आप लक्ष्मी माता को भोग लगा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना है। और सभी भोग में लड्डू गोपाल के तुलसी दल जरूर रखना है, और लक्ष्मी माता को जब हम भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी दल बिल्कुल भी नहीं रखना है। साथ में ही लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा बर्तन में जल रखेंगे। और दिवाली वाले दिन आप बेशक मार्केट से कैंडल लेकर आ जाएं, चाहे मोम के दिए लेकर के आ जाएं, कैसे भी आप फैंसी दिए लेकर के आ जाएं, लेकिन आपको दिवाली वाले दिन लड्डू गोपाल के पास में, लक्ष्मी माता के पास में शगुन के तौर पर सरसों के तेल के दिए जरूर जलाने हैं। आप सरसों के तेल के दिए अधिक नहीं जलाना चाहते हैं तो आपको 5, 7, 9, 11 इतने दिए तो आपको ज़रूर जलाने हैं। और साथ ही हमारे यहाँ एक जो बड़ा दिया जलाया जाता है, जो पूरी रात जलता है, उस पर काजल बनाया जाता है। जब आप वो काजल बनाएं तो आप अपने लड्डू गोपाल को जरूर लगाएं दिवाली वाली रात को। साथ ही लड्डू गोपाल को हम एक नज़र का टीका भी लगाएंगे, हाथों और पैरों पर हमें बिंदी लगानी है काजल की और लड्डू गोपाल की नज़र उतारेंगे। और जो भी भोग प्रसाद आपने लड्डू गोपाल को लगाया है, जब दिए सारे शांत हो जाएंगे उसके बाद हम वो भोग प्रसाद लड्डू गोपाल के पास से उठा लेंगे और घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। दिवाली वाले दिन आप चाहें तो अपने घर पर लड्डू गोपाल नए लेकर के आ सकते हैं, राधा रानी भी लेकर आ सकते हैं। साथ ही इस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की दिवाली वाले दिन सेवा करनी है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आप लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा करना बताई है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी दिवाली।